नाउ वी विल सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देखिए हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी लेकिन जैसा मैंने पहले ऐस किया डिसएडवांटेजेस को हम चैलेंजेस के तौर पे लेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ करें कि हमारा ऑब्जर्वेशन वैलिड हो सो so, एडवाटेज क्या है कि एज एन असैसमेंट प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन डज नॉट इंटरप्ट द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रेन बच्चे जो कुछ कर रहे हैं जो लर्निंग क्लास में हो रही है वो डिस्टर्ब नहीं होती आप खामोशी से उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इट रिप्रजेंट स मीन्स ऑफ असेसिंग चिल्ड्रेन वाइल दे आर एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज इन अ मोर नेचुरल सेटिंग तो जो कुछ नेचुरल सेटिंग में है आप उसको देख रहे हैं देखिए टेस्ट में और ऑब्जर्वेशन में कितना फर्क है टेस्ट में आपने बच्चे को एंगजाइटी भी दी है थ्रेट भी दिया है और उसके बहुत से बिहेवियर्स जो हैं वो चेंज्ड आएंगे क्योंकि उसको एक प्रेशर है लेकिन ऑब्जर्वेशन में तो जो कुछ बच्चे रोज़ कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं हंसते खेलते हुए अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बस आप खामोशी से एक तरफ बैठे हुए उनको देख रहे हैं तो आप किसी चीज़ को इंट्रैक्ट भी नहीं करेंगे और ना उनके किसी उनके लिए किसी किस्म की थ्रेट पैदा करेंगे इट अफोर्ड्स एन अपर्चुनिटी टू असेस द चाइल्ड इन अ वाइटी ऑफ कॉन्टेक्ट फिर ये कि क्लासरूम में भी देख रहे हैं प्ले ग्राउंड में भी देख रहे हैं आप जब टीचर स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा है क्लासरूम के अंदर कोई खेल हो रहा है तब भी आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं टेस्ट तो ऐसे नहीं होता ना टेस्ट तो बड़े कंट्रोल तरीके से लिया जाता है फिर इसका अगला नुकसान यह है कि वैलिडिटी इज टाइड टू ऑफ़ द ऑब्जर्वेशन अब एक बात जरूर है कि जब हम उसको हर जगह पर देख रहे हैं क्लासरूम के अंदर क्लासरूम के बाहर किसी एक एक्टिविटी में किसी दूसरी एक्टिविटी में तो आपको पता है ना नेचुरल सेटिंग में बहुत सी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं तो हो सकता है कि हम जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर काफी सराउंडिंग जो है वो असरअंदाज हो रही हैं तो अब ये नहीं कि इसके लिए हम ऑब्जर्वेशन छोड़ देंगे बल्कि हम कोशिश ये करेंगे कि उस कॉन्टेक्स को भी हम लिखें कि किस कॉन्टेक्स में बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया फिर हम कहते हैं कि जी कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जर्वर बायस भी हो सकता है An accurate observation may be taken out of context. For example, if the context is not readily known or apparent, the motivation for the behavior may be misinterpreted by the teacher observer. अच्छा हमें पता ही नहीं कि कॉन्टेक्स जिसमें हम काम कर रहे हैं इसमें क्या क्या फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जैसे प्ले ग्राउंड में क्या हो रहा है क्लासरूम के अंदर जब एक्टिविटीज चल रही हैं तो क्या हो रहा है असल में बच्चों के अंदर क्या चल रहा है कुछ लोग कुछ बच्चे ग्रुपिंग में आ जाते हैं कुछ फ्रेंड्स ग्रुप में होते हैं कुछ तन्हा होते हैं आइसोलेटेड होते हैं सारी चीजों को मद्देनजर रखना है यहाँ भी वही बात कि हमने डिसएडवांटेज को एडवांटेज बनाना है ऐसी सूरत में बनाना है कि हमने उनकी सारी चीजों को मद्देनजर रखना है और वो कॉन्टेक्ट किस में क्या हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है जो फैक्टर्स एक्सटर्नली इन्वॉल्व है बच्चे के बिहेवियर में वो सारे के सारे हमारी नज़र में होने चाहिए तभी हम बेहतर फैसला कर सकेंगे कि उसने किस तरह का परफॉर्म किया ठीक है जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि क्लासरूम के अंदर बच्चे और तरह से बिहेव कर रहे हैं कोई नया उस्ताद आता है या वो कहीं नई जगह पे जाते हैं तो डिफरेंटली बिहेव करते हैं फिर थोड़ी देर तक ये भी देखते हैं कि हमारे साथ वाले क्या कर रहे हैं टीचर किस चीज़ की इजाजत देता है हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते उसके मुताबिक फिर वो अपने आप को ढालते हैं ठीक है तो हमने पूरे कॉन्टेक्स को समझना है और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उन सब को हमने मद्देनज़र रखना है ताकि हम अपने ऑब्जर्वेशन को एक्यूरेट रख सकें और ये ट्रस्टेबल